हेलो फ्रेंड्स क्या हाल चाल है जी आप लोगों के हाँ जी आई होप तो सब बढ़िया होंगे चलिए जी आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है जी रिडम्पन ऑफ डिबेंचर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिडेम्पन ऑफ डिबेंचर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करते हैं ऑफ स देखो ये आप ये रिडेमशन का जो डिवेंचर्स का टॉपिक है ये आप अपनी क्लास ट्वेल्थ से पढ़ते आ रहे हो कि सर डिचर्स क्या होता है और ट्वेल्थ में तो आप लोगों ने ऑफ रिडेमशन पढ़ा भी होगा तो क्या सर ये वैसा ही टॉपिक है मोर और लेस वही टॉपिक है लेकिन थोड़ी सी कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स है वो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स है अब हम इसको और डिटेल में और इन डेप्थ जाकर पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास में आपने इसको ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है लेकिन जहां पर हम इसको इन डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे कि क्या है ये टॉपिक रिडेमशन ऑफ डिवेंचर्स जी तो हेडिंग डालिए जी रिडेमशन ऑफ डिवेंचेस देखो सर रिडेमशन का मतलब क्या होता है रिडेम्शन का मतलब होता है रीपेमेंट करना रिडेमशन का मतलब क्या होता है रीपेमेंट करना पैसे को वापसी देना हमने एक चैप्टर पढ़ा था अभी

इश्यू का टॉपिक भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रिडक्शन है एग्जामिनर कई बार इशू का भी क्वेश्चन डाल देता है तो ये है कि भाई इशू में इतनी दिक्कत परेशानी होती नहीं है बच्चे को लगभग आती है इशू की एंट्रीज लेकिन स्टिल एक बार आप उसको रिवाइज कर लेते हैं इशू वाली एंट्रीज को सो so दैट अगर आपके एग्जाम में इशू का भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको ईजीली कर पाएंगे कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है ठीक है जी सो so, सबसे पहले आप लिखिए डिबेंचर्स का मीनिंग पॉइंट बताइए डिवेंचर्स क्या होते हैं? डिवेंचर्स आर द सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनी एविडेंसिंग द करेक्टरिस्टिक्स एविडेंसिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोन मेड टू द कंपनी हाजी डिवेंचर्स आर द सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनी एविडेंसिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोन मेड टू द कंपनी मतलब क्या है देखो जैसे शेयर्स जैसे शेयर कंपनी की क्या होती है सिक्योरिटीज होती है वैसे ही डिवेंचर्स भी कंपनी के क्या होते हैं सिक्योरिटीज होती है क्योंकि कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है पैसा मंगवाने के लिए जैसे शेयर इशू करे जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग द फाइनेंस ऐसे ही कंपनी डिबेंचर्स भी इशू करती है फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग द फाइनेंस दैट्स वाई इट इज द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी लेकिन डिवेंचर के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एक तरीके से लोन की तरह होते हैं माना जाता है कि कंपनी ने किसी से लोन ले रखा है देखो जब लोन की बात आएगी जब लोन की बात आएगी तो उस पर फिक्स इंटरेस्ट रहेगा तो डिबेंचर्स पे भी क्या होता है हमारा फिक्स इंटरेस्ट होता है लोन एक फिक्स पीरियड टाइम बाद क्या होगा रीपे होगा वैसे डिबेंचर्स भी एक फिक्स पीरियड टाइम बाद क्या होंगे रीपे होंगे जिसको हम रेडेंशन बोलते हैं इंटरेस्ट की जो पेमेंट होगी वो क्या होगी वो एक टेन्योर में होगी या तो भाई क्वार्टरली हो सकता है या अपना हाफ ईयरली हो सकता है या एनुअली हो सकता है सेम डिबेंचर्स का भी इंटरेस्ट कंपनी को क्वार्टरली हाफ ईयरली या एनुअली पे करना पड़ता है कंपनी पहले ही प्रोस्पेक्टस में टर्म्स एंड कंडीशंस बता देती है लोन के अगेंस्ट कंपनी को कई बार सिक्योरिटी देनी पड़ती है सेम डिवेंचर्स इशू करते समय भी कंपनी को अपने एसेट्स को चार्ज कराना पड़ता है सिक्योर्ड कराना पड़ता है जब आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे बेसिकली चार्ज क्या होता है दो तरीके के चार्ज होता है एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज अगर कोई स्पेसिफिक एसेट सिक्योर्ड है अगर कोई स्पेसिफिक एसेट सिक्योर्ड है दैट इज नोन एज फिक्स चार्ज और अगर सारे ही एसेट सिक्योर्ड है दैट इज नोन एज

सेम कर लोन के डिबेंचर्स में भी रहते हैं भाई हमने देख लिया फिक्स पीरियड का इंटरेस्ट होगा फिक्स पे इंटरेस्ट होगा रीपेमेंट होगी चार्ज भी हो सकता है ये सारी चीजें क्या होती है सर डिबेंचर्स में भी प्रेजेंट होती है लेकिन अच्छा एक और चीज शेयर होल्डर्स क्या होता है शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं लेकिन डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स नहीं होते हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता वो कंपनी के क्या है? होते हैं मनी लेंडर्स होते हैं जैसे बैंक से अगर लोन लेके आते हैं तो बैंक हमारे लिए क्या है मनी लेंडर है बैंक हमारा क्या है बैंक से हमने क्या लिया पैसा लिया है, तो बैंक हमारा लेंडर हो गया सेम डिवेंचर होल्डर्स भी कंपनी के लिए क्या रहते हैं सर मनी लेंडर रहते हैं उसके बाद इशू की अगर मैं बात करूं तो देखो एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स कंपनी हैव टू मेंशन कंपनी हैव टू मेंशन द टर्म्स ऑफ इट्स रिडेम्शन द टर्म ऑफ इट्स रिडेम्शन कहने का मतलब क्या हुआ वो कहता है जब भी कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो उसको रिडेम्पन की डिबेंचर इशू करते समय देखो जब भी सिक्योरिटी जनरली इश्य होती है थ्रू अ ये भी आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे कि अक्टस किस तरीके से इश्यू होता है तो जब भी कंपनी की सिक्योरिटी इश्यू होती है वो इशू होती है थ्रू अ प्रोस्पेक्टस के केस में प्रोस्पेक्टस होता है सेम डिबेंचर्स के, के केस में भी क्या होता है सर प्रोस्पेक्टस करा जाता है प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है प्रोस्पेक्टस में कुछ नहीं होता टर्म्स एंड कंडीशन बताई जाती है तो वो ये कहता है कि डिबेंचर इश्यू करते समय कंपनी को रिडेम्पशन की भैया वो रिडीम कैसे होंगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को भी साथ में बताना पड़ता है मतलब रिडेम्पशन प्रीमियम पर होगी रिडेम्शन पार पर होगी या डिस्काउंट पर जो कि कभी होती ही नहीं है डिस्काउंट पर कभी नहीं होती देखो कोई भी बेवकूफ थोड़ी ना होगा कि कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिया सौ रुपए में लोगों ने सौ रुपए का डिबेंचर खरीद लिया लेकिन उसमें लिखा है कि डिबेंचर विल बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट मतलब नाइन्टी एट में तो कोई भी कंपनी के डिबेंचर खरीदेगा ही नहीं तो रिडेमशन कभी भी डिस्काउंट पर होती नहीं है जनरल रिडेमशन किस पर होती है जनरली रिडेंशन होती है प्रीमियम पर तभी पर्सन इंटरेस्टेड होता है टू परचेज द डिवेंचर ठीक है जी अब हमारे पास क्या क्या टाइप्स रहते हैं फॉलोइंग आर द केसेस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स हाँ जी क्या क्या, -क्या केसेस रहते हैं वो देखते हैं देखो जी पहला केस टोटल छह केसेस बनेंगे किस तरीके से छह केसेस बनेंगे देखो चलो भी पहले देख लेते हैं. डिबेंचर्स इशूड एट पार रिडीमेबल एट भैया डिबेंचर पार पार मतलब होता है जी फुल वैल्यू फेस वैल्यू डिबेंचर पार पर इशू हो रहा है और रिडीम भी किस पे होगा पार पर होगा तो इसकी क्या एंट्री बनेगी कई बच्चों को देखो ये इस आती होंगी लेकिन स्टिल देख लीजिए एक बार डिवेंचर जब भी इशू होता है तो एंट्री क्या बनेगी इशू करने की एंट्री क्या बनेगी देखो जी पैसा आएगा कंपनी के पास तो दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन मान के चलता हूं मैं एग्जांपल साथ साथ ले लेता हूं पार मतलब हो गया सौ रुपए सौ रुपए का डिबेंचर इश्यू हुआ और सौ रुपए का ही क्या होगा वो रिडीम भी किया जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन मतलब सौ रुपए आएंगे और रिडेम्शन के टाइम पर कंपनी को कितने रुपए पे करने सर के टाइम पर कंपनी को सौ रुपए ही पे करने तो पहले से ही कंपनी उसकी एंट्री करके चलती है दैट इज डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन को कंपनी किसमें ट्रांसफर कर देगी परसेंटेज डिबेंचर्स परसेंटेज टेजर्स कितने रुपए सर सौ रुपए सर क्या ये दोनों एंट्री को कंबाइंड कर सकते हैं कंबाइंड मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज परसेंटेजर्स कर सकते हैं आंसर कर सकते हो अगर आपके पास फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है जिसमें रिडेमशन भी और इशू भी है तब आप एक कॉमन एंट्री कर लेना लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन इशू का ही आता है तब तो आपको ये एंट्री अलग अलग करके चलनी पड़ेगी ठीक है जी तो ये तो ये हमारा पहला केस था कि एट पार एंड रिडीमेबल एट पार ओनली केस नंबर टू डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार ठीक है जी प्रीमियम पर इशू हुआ प्रीमियम पर इशू हुआ और रिडेंप्शन किस पे होगी जब पार पे होगी मतलब मतलब कि सर ₹100 का डिबेंचर 120 में इशू हो रहा है ₹100 का डिबेंचर 120 में इशू हो रहा है लेकिन रिडीम किस पे हो रहा है पार पे हो रहा है सर कोई भी ऐसा क्यों खरीदेगा कोई भी ऐसा क्यों करेगा देखिए सर ध्यान दीजिए प्रीमियम तभी होता है अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो मान लो कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं सर डिवेंचर को खरीदना चाहते हैं तो ऑब्वियसली क्या करेगी कंपनी उस डिवेंचर के ऊपर प्रीमियम लगाना शुरू कर देगी महंगा करना शुरू कर देगी क्योंकि कंपनी को पता है कि भैया लोग तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे डिवेंचर तो कंपनी ने क्या कर उसका प्राइस को बढ़ा दिया सर रिडीवेबल एट पार तो देखो सर लोगों का लॉस थोड़ी ना हो रहा है एक का डिवेंचर उन्होंने खरीदा और जितने का डिवेंचर था डिवेंचर तो सौ रुपए का था लेकिन डिमांड की वजह से उसका प्राइस बढ़ गया डिमांड की वजह से उसका प्राइस बढ़ गया और रिडेमशन किस पे होगी पार पर होगी सौ रुपए पर ही उसकी क्या होगी रिडेमशन होगी तो बताइए एंट्री एंट्री क्या बनेगी विल बी बैंक अकाउंट डेबिट अब मुझे बताओ कंपनी के पास इश्यू के टाइम पर पैसा आएगा कितना कंपनी के पास एक सौ बीस रुपए आएंगे कंपनी के पास एक सौ बीस रुपए आएंगे टू डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर एप्लीकेशन रुपए और ये जो बीस रुपए हुआ वो कंपनी के लिए क्या हो गया वो बीस रुपए कंपनी के लिए क्या हो गया सर प्रॉफिट हो गया लेकिन वो आप यहां पर ना दिखा के यहां तो आप एक सौ बीस डालो क्योंकि तो पैसा कलेक्ट हुआ है जब आप डिबेंचर्स में ट्रांसफर करोगे देन यू विल क्रेडिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 120 बीस परसेंटेज डिवेंचर्स में कितना जाएगा सर परसेंटेज डिवेंचर्स में जाएगा सौ रुपए क्योंकि डिबेंचर की फेस वैल्यू तो सौ ही है और बीस रुपए कंपनी को एक प्रॉफिट हो गया जिसको हम नाम क्या देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बीस रुपए क्या सर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कंपनी कहीं भी यूज कर सकती है आंसर इज नो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि देर आर यूजेस इन सेक्शन 52 सेक्शन 52 में लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड यूजेस है वहां पर ही कंपनी क्या कर सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकती है ये हमारा सेकंड केस होता है केस नंबर थ्री केस नंबर थ्री देखो जी डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार सर ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कंपनी का डिबेंचर बिक नहीं रहा लेकिन कंपनी को पैसे चाहिए तो कंपनी ने उस पर डिस्काउंट लगा दिया कंपनी ने उस पर क्या बोला डिस्काउंट लगा दिया और कंपनी ने बोला भैया एक काम करो सौ का डिबेंचर नाइंटी एट में ले जाओ और रिडेमशन सौ पे करवा लेना कंपनी को भी पैसा मिल गया रिडीमेबल एट पार इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे 98 का इशू हो गया और सौ रुपए पे, पे रिडीम होगा 98 का इशू होगा और सौ रुपए पे, पे रिडीम होगा तो क्या एंट्री क्या बनेगी देखो जी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन सर कंपनी के पास कितने पैसे आएंगे कंपनी के पास तो नाइनटी एट रुपीज ही आएंगे कंपनी के पास कितना है 98 एट रुपीज है डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट कितना 98 एट रुपीज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट कितना टू रुपीज टू परसेंटेज डिवेंचर कंपनी के लिए एक नुकसान हो गया एक लॉस हो गया जिसको नाम क्या दिया कंपनी ने डिस्काउंट ऑफ इश्यूचर ठीक है अब एक चीज ध्यान रखना सर ये जो डिस्काउंट ऑफ है क्या कंपनी इसको पीएनएल अकाउंट में क्या कंपनी इसको पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर देगी आंसर इज सर कंपनी इसको पीएनएल अकाउंट में एक ही बारे में क्रेडिट नहीं एक ही बारे में डेबिट नहीं करेगी इस खर्चे को एक ही बारे में राइट ऑफ नहीं किया जाता इसको राइट ऑफ किया जाता है ओवर द लाइफ ऑफ द डिवेंचर मतलब जितने साल तक डिवेंचर चलेगा दिवेंचर की लाइफ होती है कि भैया पांच साल दस साल क्योंकि तो हो नहीं हो नहीं तो होनी होनी ही है जितने साल तक डिवेंचर चलेगा उतने साल तक ये लॉस ये डिस्काउंट को क्या करती रहेगी कंपनी राइट ऑफ करती चली जाएगी क्लियर है जी क्योंकि सर ये एक्चुअल में जो डिस्काउंट है वो एक साल का थोड़ी ना है वो तो जब तक डिवेंचर चलेगा तब तक का ओवरऑल डिस्काउंट है तो कंपनी क्या करेगी उसे राइट ऑफ कर देगी ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द डिवेंचर ठीक है जी ये तो हमने देख लिए तीन केसेस किसके कि इफ रिडीमेबल एट पार फोर्थ अब हम करेंगे रिडीमेबल एट प्रीमियम क्योंकि डिस्काउंट पे टेंशन नहीं होती तो रिडीमेबल एट प्रीमियम मतलब डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम इशू डट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम मतलब मतलब हुआ सर डिबेंशर पार पे इशू है मतलब सौ रुपए का इश्यू हो गया लेकिन रिडीम कितने पर होगा वो रिडीम होगा आपका मान लो एक सौ दस रुपए का रिडीम होगा वो एक सौ दस रुपए का रिडीम होगा हो तो वॉट विल बी द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करूं जी डिवेंचर एप्लीकेशन कितना पैसा आएगा कंपनी के पास सर कंपनी के पास तो सौ रुपये ही आएंगे अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन सौ रुपये अब अब ध्यान रखना देखो कंपनी को यह पता है कि उसको दस रुपए एक्स्ट्रा एंड में जब रिडीम होंगे तब तो पे करने पड़ेंगे लेकिन कंपनी क्या करेगी सर आज से ही प्रोविजन बनाना चालू कर देगी आज से ही प्रोविजन बनाना चालू कर देगी एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस आप कह सकते हो प्रूडेंस क्या कहता था प्रूडेंस ही कहता था ना अगर आपको लगता है कि भैया कोई नुकसान होने वाला है फ्यूचर में तो आज से ही उसके बारे में क्या करो एंटीसिपेशन शुरू कर दो उसके बारे में प्रोविजन बनाना चालू कर दो अब कंपनी को ये तो पता है ना कि रिडेंशन होनी है प्रीमियम पे दस रुपए एक्स्ट्रा जाने है, तो कंपनी क्या करेगी एक प्रीमियम एक प्रोविजन बनाएगी जिसका नाम देगी प्रीमियम ऑन रिडेमशन ऑफ डिवेंचर लेकिन उसके लिए कंपनी को कुछ डेबिट भी तो करना पड़ेगा तो डेबिट करेगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर दस रुपए टू परसेंटेज डिवेंचर में तो सर फेस वैल्यू जाएगी तो रुपए और, और ये एक तरीके से कंपनी ने प्रोविजन बना दिया किस नाम से प्रीमियम ऑन रिडेम्शन ऑफ डिवेंचर दस रुपए अब सर बात ये आती है सर इसका करना क्या है देखो ये जो लॉस होगा ये जो लॉस होगा इसको तो कंपनी राइट ऑफ कर देगी ओवर द टेन ईयर ऑफ डिवेंचर ओवर द टेन ईयर ऑफ डिवेंचर मतलब जितने साल का डिवेंचर है उतने साल कंपनी लॉस को राइट ऑफ करती चली जाएगी मान लो दस साल का डिवेंचर है तो हर साल भाई दस साल का डिवेंचर है तो कंपनी दस रुपए को दस साल में राइट ऑफ करती चली जाएगी और सर इस प्रीमियम को क्या करेंगे ये एक तरीके से प्रोविजन खड़ा रहेगा कंपनी की बैलेंस शीट में लेकिन ये प्रोविजन ये प्रीमियम रिवर्स हो जाएगा ये प्रीमियम रिवर्स हो जाएगा एट द टाइम ऑफ खत्म हो जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटेंशन एट द टाइम ऑफ रिडेमशन मतलब ये प्रीमियम डेबिट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ रिडेंशन वो मैं आऊंगा अभी उस चीज पे जब हम रिडेमशन की एंट्री करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीमियम कहां पर डेबिट हो रहा है ठीक है जी आगे लिखो जी एंट्री नंबर फिफ्थ डिवेंचर्स इशू डेट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम सर सस्ते इशू कर दिए और प्रीमियम पर रिडीम कर दिया हो जाता है कई बार नाइनटी एट रुपीज का इश्यू करा कंपनी में लेकिन वो रिडीम कितने पे होगा एक सौ दस रुपए पर हो रिडीम होगा अगर मैं यहां सौ लिखता ना तो फिर वो होता है रिडेमशन एट पार हो रही है लेकिन मैं कह रहा हूं कि भैया सस्ता इशू रहा है और महंगा रिडीम होगा सस्ता है और महंगा रिडीम होगा कंपनी को डबल बार मार पड़ रही है जोर पड़ रहा है देखो किस तरीके से जब इशू किया कंपनी ने तो पैसा कंपनी के पास कितना आया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन नाइनटी एट नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट 98 अब देखो कंपनी को एक तो दो रुपए का डिस्काउंट का नुकसान और दस रुपए का लॉस प्रीमियम का नुकसान तो कंपनी क्या करेगी देखो दोनों ही चीज को कंपनी को क्या करना है चाहे डिस्काउंट हो चाहे लॉस हो दोनों ही चीजों को कंपनी को राइट ऑफ करना है ओवर द लाइफ ऑफ द डिवेंचर तो जनरली इसका हम साथ में ही लिख देते हैं डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आप अलग अलग लिख सकते हो साथ में भी लिख सकते हो जनरली कंपनी साथ में ही करके चलती है काम तो कितना हो गया सर यहां पर बारह रुपए आ गया कितना आ गया बारह रुपए आ गया और ये बारह रुपए राइट ऑफ हो जाएंगे ओवर द लाइफ ऑफ द डिवेंचर टू परसेंटेज डिवेंचर सौ एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्शन ऑफ डिवेंचर दस रुपए ठीक है जी क्लियर तो ये पांचवा केस था और लास्ट केस हमारा क्या बनेगा खुद ही बता दीजिए आप क्या बनेगा लास्ट केस सर रिडेम्शन एट प्रीमियम चल रहा है और इशू भी किस पे हो गया प्रीमियम पर हो गया मतलब इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम सर ये दोनों चीजें अलग है इश्यू का प्रीमियम होता है अलग वो प्रॉफिट है कंपनी के लिए इशू का प्रीमियम प्रॉफिटन का दोनों का मर्ज नहीं कर सकते या कहते ना सेट ऑफ नहीं कर सकते अलग अलग चीजें सर कैसे कैसे एग्जाम्पल देखे बताओ मान लो इशू तो कर दिया कंपनी ने एक रुपए में और रिडीम करना है कंपनी को एक सौ दस रुपए तो आप ये नहीं कह सकते सर नेट में तो कंपनी को दस रुपए का फायदा है नेट में तो कंपनी का दस रुपए का फायदा है क्योंकि लग तो ऐसे ही रहे ना कि एक सौ बीस रुपए का प्रॉफिट है दस रुपए का नुकसान है ऐसा नहीं है 20 तो है 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 का प्रॉफिट तो अलग सिक्योरिटी प्रीमियम जिसके लिमिटेड यूज सेक्शन के हिसाब से और ये जो दस रुपए का लॉस है ये कंपनी का लंबे समय तक लॉस चलेगा और कंपनी को दस रुपए एक्स्ट्रा पे करने ही पड़ेंगे तो इनकी एंट्री को मर्ज नहीं करोगे अलग अलग दिखाना पड़ेगा क्या एंट्री बनेगी देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एक सौ बीस रुपए देन डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट एक सौ बीस रुपए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट ये हो आपका दस रुपये टू परसेंटेज डिवेंचर्स सौ रुपये टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आप देखो ये सिक्योरिटी प्रीमियम ये अलग है ये तो फायदा हो गया कंपनी को बीस रुपए का और ये प्रीमियम ऑन रिडेमशन ये कंपनी ने प्रोविजन बना दिया क्योंकि नुकसान है कंपनी का प्रीमियम ऑन रिडेम्शन ऑफ डिवेंचर ये हो गया आपका दस रुपये बताइए जी क्या ये क्लियर हो आपको तो ये हमारी इशू की एंट्रीज है

डिवेंचर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश देन नंबर ऑफ डिवेंचर्स विल बी कैलकुलेटेड कैसे निकलेगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स एसेट purchase consideration. Purchase consideration मतलब खरीदा? खरीदा और हमने डिवेंचर को इश्यू किया है सौ रुपए का डिवेंचर दस रुपए प्रीमियम पर मतलब एक सौ दस रुपए का डिवेंचर इश्यू कर दे तो हमारे हमने नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू करके दिए को डिस्चार्ज करने के लिए नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू करे बताओ डिवाइडेड 110 एक सौ दस आगे आपका हजार कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करके दिया हमने हजार डिवेंचर इशू करके दिया आई होप ये वाली चीज तो आप निकाल सकते हो इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली मैटर नहीं है पॉइंट नंबर टू कि डिस्काउंट पब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विल बी रिटर्न ऑफ विल बी रिटर्न ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ डिवेंचर इन द रेशो ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर सर यह तो आपने बता दिया था कि <coughs> डिस्काउंट हो या लॉस हो उसको आप जितने साल तक डिवेंचर रहेगा उतने साल तक आप उसको राइट ऑफ कर दोगे लेकिन किस रेशो में राइट ऑफ करोगे ये भी तो पता होना चाहिए सर किस रेशो में राइट ऑफ किया जाएगा राइट ऑफ क्या जाता है इन द रेशो ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट सर ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है हर साल आप चेक करोगे कि हमारे डिवेंचर का कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है मतलब अगर हर साल रिडेमशन हो रही है अगर हर साल रिडमशन होती है तो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी हर साल क्या होता रहेगा कम होता चला जाएगा तो एक बन जाएगी तो उस रेशो में आप डिस्काउंट को राइट right ऑफ कर दो और अगर होनी होनी है एक ही बार, redemption होनी है एक एक ही ही बार बार तो हमारी रेशियो क्या रहेगी सर बराबर रहेगी तो हर साल इक्वल इक्वल अमाउंट राइट ऑफ कर दो तो आई होप ये वाली चीज एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो तो आप समझ जाओगे सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखना है इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर है बताइए ये वाली चीज क्लियर ठीक है जी

चर ऑफ रुपीज हंड्रेड इज यक है तो दोनों चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्वेश्चन में कई बार ऐसे कंफ्यूज कर देता है रुपीज लिख देता है लेकिन बच्चा नंबर ऑफ डिवेंचर समझ जाता है ठीक है तो वो क्या कह रहा है इशू ऑफ ट्वेल्व परसेंट वन लैख डिवेंचर ऑफ रुपीज हंड्रेड इच केस वन एट पार एंड रिडीमेबल एट पार ठीक है जी इश्यू भी पार पर है और रिडेम्पन भी पार पर है तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसको करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट पार्ट हाँ जी इशू भी पार पे है और रिडेम्पन भी पार पे तो मैं क्या एंट्री डालूंगा मैं एंट्री डालूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एक लाख इन टू हंड्रेड कितना हो गया ये हो गया वंस इंड्रेड लैक्स एंड देन डिवेंचर एप्लीकेशन रिडेमशन भी पार पर है डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू ल्व परसेंट डिवेंचर्स सेकेंड एंट्री सेकेंड एंट्री में देखिए वो कह रहा है इशू इशू एट टेन परसेंट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम सॉरी रिडीमेबल एट पार इश्यू डिस्काउंट पर है और रिडेमशन किस पे है जी Redemption है पार पर इशू डिस्काउंट पर है तो एक करोड़ पे दस परसेंट का डिस्काउंट बताइए जी एक करोड़ पे रुपए का डिस्काउंट कितना हो गया ये हो गया सर दस लाख दस लाख का डिस्काउंट हो गया तो मैं क्या डालूंगा मैं डालूंगा बैंक अकाउंट डेबिट या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सौ रुपए पे, पे दस परसेंट का डिस्काउंट तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कि एक लाख डिवेंचर कितने पर रहा है सौ का नहीं हो रहा दस परसेंट डिस्काउंट यानी कि नाइनटी का इशू हो रहा है तो ये हो गया आपका नाइनटी लैक्स इन सेकेंड एंट्री विल बी डिवेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर दस लाख टू ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर्स हंड्रेड लैक्स एंट्री नंबर थर्ड बताओ जी एंट्री नंबर थर्ड में क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं इशू एट टेन परसेंट प्रीमियम एंड कि सौ का डिबेंचर सो का डिबेंचर इशू हो रहा है जी एक सौ दस रुपए में सौ का डिबेंचर इशू हो रहा है एक सौ दस रुपए में तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितने से एक लाख इंटू सौ का डिबेंचर एक सौ दस में इशू हो रहा है टू डिबेंचर एप्लीकेशन तो हो गया वन टेन लाख एक सौ दस लाख डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर जो हो गया अपना हंड्रेड लैक्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टेन लैख ओके एंट्री नंबर फोर्थ एंट्री नंबर <coughs> वो कह रहा है इशू एट टेन परसेंट प्रीमियम एंड रिडीमे सौ इशू हो रहा है और रिडीम किस पर फाइव परसेंट प्रीमियम मतलब सौ का डिबेंचर एक सौ पांच में रिडीम हो रहा है ध्यान रखना एक सौ दस में रहा है और एक सौ पांच में रिडीम हो रहा है तो सर दस रुपए का प्रॉफिट अलग है और पांच रुपए का लॉस अलग है मर्ज नहीं करना दोनों को दोनों चीजें अलग अलग है तो पहले देखो जब अगर 110 में इश्यू हो रहा है तो क्या होगा कंपनी के पास 110 के हिसाब से पैसे आएंगे डेट इज बैंक अकाउंट डेबिट तो आप कितने भी केसेस आप बना सकते हो अपने हिसाब से टू तो डिवेंचर एप्लीकेशन सर ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं देखो सर कुछ भी आ सकते हैं एनी थिंग कैन कम कई बार बच्चों वाली चीजें ही बहुत परेशान कर देती है एक सौ दस है ना सर छोटे छोटे बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं और वैसे भी मेरे घर में तो अभी छोटा सा नन्ना सा बच्चा आया है मुझे पता है कितना डिस्टर्बेंस करता है वो शैतानी पे शैतानी तो कहता है छोटी छोटी चीजें ज्यादा परेशान करती है बड़ी बड़ी चीजें नहीं करती तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन खैर परेशान नहीं बोलूंगा सॉरी बहुत क्यूट है बहुत प्यारा सा बच्चा है वो आई लव हिम उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट 110 लाख जी अब अब देखो सौ का डिबेंचर एक सौ पांच में रिडीम हो रहा है तो सर पांच रुपए का नुकसान है तो नुकसान को कहां लेके जाऊंगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक लाख पे पांच रुपए का नुकसान कितना हो गया सर पांच लाख का नुकसान जिसको राइट ऑफ करोगे ओवर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर टू ट्वेल्व परसेंट या तो हंड्रेड लैक्स ही आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में सर फायदा प्रॉफिट कितना था बच्चे प्रॉफिट था दस रुपए का तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा दस लाख और पांच रुपए का क्या था पांच रुपए का था आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर दिस इज फाइव लैक्स क्लियर है जी हाँ जी केस नंबर फिफ्थ इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल एट फाइव परसेंट प्रीमियम इशू डर एंड रिडीमे एंट्री नंबर फिफ्थ इश्यूड एट पार यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितना पार पर मतलब वन सी आर हंड्रेड लैक्स एंड रिडीमेबल एट फाइव परसेंट प्रीमियम फाइव परसेंट प्रीमियम पर रिडीम होगा तो डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट हंड्रेड लैक्स लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर पांच परसेंट प्रीमियम यानी कि पांच लाख का प्रीमियम है टू ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर्स हंड्रेड लैक्स एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेमशन ऑफ डिवेंचर्स ये हो गया आपका फाइव लैक्स एंट्री नंबर सिक्स ट टेन परसेंट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट फाइव परसेंट प्रीमियम यानी कि सौ का डिवेंचर नब्बे में हो रहा है और एक सौ पांच में रिडीम होगा नब्बे में हो रहा है यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन नब्बे में हो रहा है यानी कि एक लाख इंटू नाइनटी दिस इज नाइनटी लैक्स और 105 में रिडीम होना है तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हाँ जी सर कितना लॉस है पांच का लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट यहां लिखो 90 लैक्स यहां कितना आएगा यहां आएगा पांच लाख पांच रुपए का प्रीमियम है टू ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर्स हंड्रेड लैक्स एंड टू प्रीमियम एक गलती कर दी ना अच्छा इसमें डिस्काउंट भी तो है डिस्काउंट ठीक है जी सर डिस्काउंट कितना दस डिस्काउंट और पांच का प्रीमियम तो पंद्रह हो जाएगा जी टू तो प्रीमियम ऑन रिडेम्शन प्रीमियम ऑन रिडेमशन ऑफ डिबेंचर्स कितना गया आपका क्लियर है तो ये हमारी एंट्रीज हैं इशू की इशू ऑफ की बताइए जी नरेशन मांगी थी तो नरेशन हमने करी नहीं आगे देखते क्वेश्चन नंबर टू देखो क्वेश्चन नंबर टू भी देख लेते हैं एक बार

वो कह रहा है 220 लाख रुपए पे करने हैं 200 लाख की चीज खरीदने के लिए उसने 220 लाख रुपए पे करने का एग्रीमेंट कर लिया तो मुझे बताइए क्या उसने फायदे का सौदा किया या नुकसान का सौदा किया सर नुकसान का सौदा किया 200 लाख की चीज खरीदने के लिए 220 लाख रुपए पे करने का एग्रीमेंट कर लिया तो नुकसान का सौदा 20 लाख का नुकसान का सौदा तो इसका मतलब यह बोला जाता है कि उसने एक्स्ट्रा पैसे पे करे हैं फॉर द गुडविल फॉर गुडविल ठीक है अभी इस बातों में एक्स वेड कंपनी लिमिटेड पेड द परचे बाई इशूंगसेंट प्रीमियम वो कह रहे पेमेंट कैसे होगी डिचर इशू करके सौ रुपए का डिवेंचर दस रुपए के प्रीमियम पर गिव द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी लिमिटेड अच्छा पॉइंट है कल को जब हम एमकोमेशन वगैरह के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और जाके नई चीज आपके सामने आएगी क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर टू इन द बुक्स ऑफ हमें एंट्री करनी है जिसने खरीदा है जिसने खरीदा है परचेजर की बुक्स में एक्स वाई जेड लिमिटेड की बुक्स में इन द बुक्स ऑफ सर क्या सेलर uh, की बुक्स में भी एंट्री करनी होती है सर सेलर की बुक्स में भी एंट्री होगी लेकिन जब हम एमेलगमेशन के टॉपिक्स पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगी इन द बुक्स ऑफ एक्स जेड लिमिटेड वहां पर होता है बुक्स ऑफ परचेजर एंड वेंडर रुपीज इन लैक्स में था तो रुपीज इन लैक्स में कर लेते हैं। देखो जी पहली एंट्री क्या करी वो कह रहे खरीदे तो उसके पास एसेट्स आएंगे कितना दो सौ तीस लाख टू सन्डरी लाइबिलिटी कितना हो गया 30 लैक्स और पेमेंट कितनी करनी है

कि दो लाख डिवेंचर इश्यू करें एट टेन परसेंट प्रीमियम टू डिवेंचर का क्या रेट था कुछ नहीं दे डिवेंचर लिख देता मैं टू परसेंटेज डिवेंचर कितना सर दो लाख डिवेंचर दो लाख डिवेंचर कितने के सौ के तो कितना हो गया टू हंड्रेड लैक्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ये दो लाख इंटू दस बीस लाख ठीक है जी तो एक होता है डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश तो ये हमारा एस्पेक्ट था अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है जी थी?